सो हे वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ये जो चैप्टर है हमारे, ये बायो मॉलिक्यूल्स क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें नेक्स्ट वीडियो है, ये बहुत छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके साथ ही जो नए स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, ये जो चैनल है स्विस ट्रिक्स बेसिस पे है, ठीक है, इसी पे वीडियोज मैं बनाता हूँ। अगर किसी को बायोलॉजी का क्लास 11 12 के सारे ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें बहुत, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल। तो वाटर सोल्यूबल सिंपल याद रखोगे WBC, आपको पता है WBC RBC, तो W फॉर वाटर सोल्यूबल और BC मतलब विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन्स आप ऐसे अगर इसको याद कर लोगे तो छोड़ सकते हो, जो बाकी बचा ये आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर इसको भी याद रखना तो आपको पता है वो हेडेक, हेडेक जानते हो तो, लेकिन हेडेक से आपको याद है एडेक, एडेक एडेक भी हेडेक की तरफ फील हो रहा है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये आप वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल कर सकते हो। इसके साथ ही देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, आप देख लेना एक बार। लेकिन सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लगभग कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सारे क्या है, ये सारे मोनोसेक्राइड्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। ध्यान में रखना डाइसेक्राइड्स नहीं है, ठीक है ना, डाइसेक्राइड नहीं है, या मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सब। और नॉन रिड्यूसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो आपको नॉन रिड्यूसिंग में ये याद कर लेना है सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, सुक्रोज, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में ट्री हेलोज और रेफिनोज भी ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डालो सुक्रोज। तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, अगर कोई पूछे नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल तो सुक्रोज, एंड रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल तो आप जनरली मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल दोगे, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऐसे याद रख सकते हो, गैलेक्टोज, राइबोज, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर चैनल